मौला अली की खिदमत में एक शख्स आया और अर्ज करने लगा, या अली, कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मुश्किलें और परेशानियां खत्म हो जाएं और मुसीबतें टल जाएं। तो मौला अली ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, हर हाल में अपने परवरदिगार से दुआ में खैर मांगते रहो और अपने गुनाहों से तौबा करते रहो। मौला अली ने फरमाया, ऐ लोगों, दोनों सूरतें यकीन की हैं, कोई अल्लाह के लिए सब छोड़ देता है और कोई अल्लाह पे ही सब छोड़ देता है। मौला अली ने फरमाया, ऐ लोगों, बेवकूफ तरीन इंसान वो है जो अपनी बदकलामी पर फख्र करता है। मौला अली ने फरमाया, किसी के साथ धोखा ना किया करो, क्योंकि जो दोगे वही लौट के आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। मौला अली ने फरमाया, ऐ लोगों, याद रखना, जिस इंसान की जान निकल जाती है तो वो जिंदा नहीं रहता, और जिस इंसान का एहसास निकल जाए तो वो फिर इंसान नहीं रहता। मौला अली ने फरमाया, ऐ लोगों, खुदा से जब भी मांगो तो मुकद्दर मांगो, अकल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अकल वालों को मुकद्दर वालों के दर पर देखा। मैंने बहुत से अकल वालों को मुकद्दर वालों के दर पर।